वो भी माशाल्लाह फारसी प्रोफेसर हैं। और ईद की बात हो रही थी, अब इसके पीछे है, वो गौर किया करें कि उसके पीछे जो लेयर है, एक तह है दुख की। तो इस ईद पे कुर्बान किया मैंने जो दुम्बा, इस ईद पे कुर्बान किया मैं सुन्नत इब्राहिमी, इस ईद पे कुर्बान किया मैंने जो दुम्बा, उस नेक कमल, इस नेक कमल का मेरे मौला मुझे फल दे। या रब, मैं नहीं और किसी चीज का तालिब, जितना भी सबाब इसका है डॉलर में बदल दे। जितना भी सबाब इसका है डॉलर में बदल दे। जी बहुत अच्छा। मैं गुजरा वाले में पढ़ रहा था अपनी एक पुरानी नज़्म, तू भी जाने ये मजे नार गली दिए शाना। अब माशाल्लाह ये मिसरा प्रावर बन गया है, ये बड़ा करम है अल्लाह का। मेरी किताब जो है मेला खिया था, उसके 40 एडिशन आ चुके हैं, और एम ए से लेके उसकी नज़में एफ ए सब निसाब में शामिल है। ये सब उसका करम है। मुझे मेरे बारे में बड़े तारीफी कलमे कहे गए हैं। कुछ नहीं, फानी आदमी क्या कर सकता है, क्या क्या हैसियत क्या है। हजरत मियां मोहम्मद बख्श मरहूम सैफुल मुल्क वाले कहते हैं, थोड़ा बहुत शेर सुखन था वादा काटा जाने, इतना बड़ा सूफी इतना आरिफ कह रहा, हम कहां के दाना है, किस हुनर में यकता। तो जनाब बात ये हो रही थी कि ईद के मौके की बात हो रही थी कि मेरे था दर्जियों के पास बड़ा राश होता है, तो मेरे था उसमें उनसे अजब अजब हरकत सरदर्द होती हैं। मेरे साथ दर्जी साहब ने क्या किया कि बखिया तो उससे एक भी सीधा नहीं लगा, आड़ा लगा दिया, कोई तिरछा लगा दिया। टेलर की बादाबासियां मुझसे न पूछिए, उसने मेरी कमीज में नेफा लगा दिया। उसने लगा दिया है। एक और कथा सुनिए, ऐबदार हूं कुछ थोड़ा सा, मैं सियासी बात भी करता हूं तो इस तरह नहीं कि बंदा कि मैं पत्थर काट मार, बस तरीके से ही होती है बात। सलीका इंतहा का जाज शोरा बैठे मोती परोने, सलीका इंतहा का चाहिए मोती पिरोने में, ये कोई आसान काम नहीं है। फलसफा व शेर की और हकीकत है क्या, हर्फ तमन्ना जिसे कह न सके रूप रूप। अच्छा शेर कोई मजाक नहीं है। इकबाल ने कहा, मीर ने कहा है, खुश्क शेरों तने शायर का लहू होता, लेकिन जो बात इकबाल कह गया अपनी डायरी, उसकी डायरी का नाम है सटरे रिफ्लेक्शन, उसका नाम है अफकार पर यूस में लिखता है, जब कोई अच्छा शेर सुनो तो समझो कोई ईसा मसलूब हुआ। ये कोई मजाक है शेर का, बहुत मुश्किल चीज है। तो बहरहाल ये है मेहनत। इकबाल ने कहा, इकबाल की असरार खुदी के बारे में एक आदमी ने कहा, ये शेर आपका मुझे बहुत अच्छा लिखा लगा है जी, तकशे मारा फतंगे राखन। मैंने कहा तुम्हें ये नहीं ना मालूम, मैंने 80 दफा काट के लिखा हुआ, 80 दफा काट के, किसी कश्मकश में मेरी जिंदगी की कभी सोच साज रूमी, कभी पेचो ताबे राजी। इसको मैंने लिखा के वो एक नशाई है ना, वो दूसरे से कहते हैं कोई नशा लाप जान, कहता है कभी हो गया मुयस्सर ना हुआ कभी मुयस्सर, सरेआम क्या कहूं मैं कि ये राज की है बातें, कभी मैंने कश लगाया कभी कश नहीं लगाया, इसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी।